मैं कर्नल प्रमोद कुमार, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी वे बैक इन 1993 एंड हैविंग पार्टिसिपेटेड इन 1971 वॉर विच वॉज अगेंस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं आपको डेली इंसाइडर की तरफ से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज जो कि हम योगा दिवस के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसमें एक आस्पेक्ट हमको समझ में आना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी जो कि शरीर बना हुआ है हमारा, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, ये एक मैकेनिकल सिस्टम है और एक ये मशीन है। अगर हम इस मशीन को सही टाइम पर सही चीज़ नहीं देंगे और इसको सही योगा की तरीके से आगे ट्रीट नहीं करेंगे तो ये कभी भी हमको धोखा दे सकती है। इसी प्रकार से जैसे कि एक गाड़ी होती है, अगर हम उसका सही तरीके से मेंटेन नहीं करते हैं और आगे देखभाली नहीं करते हैं तो वो हमको कहीं भी धोखा दे सकती है। यही चीज़ हमारे शरीर के साथ लागू रहती है। अगर हमारा शरीर सही तरीके से हमको रखना है और अंत समय तक इसको बिल्कुल अपने ऊपर निर्भर करना है तो हमको इसको योगा का साथ लेना ही पड़ेगा। और ये योगा आज से नहीं, सदियों पुराना है, जो कि हमेशा से चलता चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और इसी के सहारे अगर हम ख्याल करें तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कहाँ कहाँ घूम के आ जाते थे, एंड दे यूज टू रोम अराउंड एवरीवेयर एंड दे यूज टू सी एंड इंस्पेक्ट वेरियस थिंग्स बाय सिटिंग एट वन प्लेस ओनली। दिस वॉज नथिंग बट योगा अभ्यास एंड टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, दैट्स व्हाट दे से। एंड अगेन इन द एंड आई विश एंड प्रे that each and every one of India worship on that and they continue to do that. Just keep it up. Thank you very much. यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही Google Play Store से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।